मगध राज्य का एक राजा था, उसकी पत्नी उषा थी। उन दोनों का कोई संतान नहीं था। उस महल में एक नौकरानी रहती थी, उसका एक बेटा था। राजा उस लड़के को अपना बेटा मानने लगा। नहीं दासी, यह बेटा केवल तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। आज से इसका पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है मुनीम जी। क्या आदेश है? आज से इस बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह पालना चाहता हूँ। तुम अभी इस बच्चे का और इस बच्चे के माँ का नए नए वस्त्र, गहने, खाने पीने और रहने का उचित बंदोबस्त कर दो। और ध्यान रखना, इन दोनों को कोई कष्ट ना हो। क्या इतनी बड़ी बात, एक नौकरानी के लड़के के लिए इतना प्यार? ठीक है, सही समय आने दो, फिर मैं बताऊंगी। देखते देखते समय बीत गया और उस दासी का बेटा 20 वर्ष का हो गया। और उस बनिया ने एक दिन, उषा आज से इस लड़के और दासी को तुम देखना। हाँ हाँ, आप निश्चिंत होके विदेश जाइए, मैं अच्छी तरह उन दोनों की देखभाल करूंगी। आज मुझे मौका मिला है, उन दोनों को सबक सिखाऊंगी। आज तेरे पिताजी व्यापार के लिए गए हैं। पता है माँ। अब तुम दोनों भी जाओ। कहाँ? अभी तुम दोनों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ये देखो। इस घटने के बाद बनिया अपने घर वापस आ गया। दासी और अपने पुत्र को नहीं देखने से बहुत आश्चर्यचकित हुआ। पत्नी से पूछा, उषा मेरा पुत्र और दासी कहाँ है? नौकरानी एक बड़ी बीमारी के वजह से मर गई और उसी के दुख में तुम्हारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। उसे बहुत ढूंढा मैंने मगर वो नहीं मिला। ये क्या, अब मैं क्या करूँ? आप एक काम कीजिए, दो बकरियों का बलि देके काली माँ का पूजा कीजिए। हो सके आपका बेटा मिल जाए, इसलिए मैं दो बकरियाँ भी मंगा के रखी हूँ। यह बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कल बलि चढ़ाकर माँ काली को बहुत प्रसन्न करूँगा। ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं कलिकाय नमः, ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं कलिकाय नमः, ओम ह्रीं चमुंडाय, ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं कलिकाय नमः। ओम, अब आप अपने हाथों से इस बकरे की बलि चढ़ाओ। जी पंडित जी। है? ये क्या, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। लग रहा है पूजा में कोई अर्चन आ गया है। आप दूसरी बलि की तैयारी कीजिए पंडित जी। हाँ ठीक बोल रही हो। ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं चमुंडाय नमः। अब इस बकरे को अपने हाथों से बलि चढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों, क्यों नहीं दे सकते बलि? एक अजीब सी आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा। आप अगर बलि नहीं चढ़ा सकते हैं तो फिर मैं खुद इसकी बलि चढ़ाऊंगी। रुकिए, आप इसका बलि नहीं चढ़ा सकती। कौन हो तुम? मैं पुरोहित की बेटी हूँ। ये बकरी आपका बेटा है और जो दूसरी बकरी थी आपकी नौकरानी थी। आपकी पत्नी अपनी जादुई शक्ति से इन दोनों को बकरी बना दी थी। ये झूठ बोल रही है। अगर तुम यह साबित कर सकती हो तो मैं आधा जायदाद तुम्हें दान दे दूंगा। नहीं, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ आपके बेटे से विवाह करना और इस गुनहगार को सजा देना। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम अपराधी को जान से नहीं मार सकोगी। ठीक है, नहीं मारूंगी।
पिताजी। बेटा, इस लड़की का बात सच है? हाँ, कौन सी बात? तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या बकरी बना दी थी? हाँ पिताजी, ये बात सच है। झूठ, ये झूठ बात है, सब साजिश है मेरे खिलाफ, मैं मार दूंगी इस लड़के को। इसके बाद की कहानी बहुत ही संक्षिप्त है। पुरोहित की बेटी के साथ बनिए के पुत्र का विवाह हुआ और बनिया सबके साथ सुख शांति से रहने लगा। अच्छा महाराज, बनिए के पारिवारिक मामले में पुरोहित की लड़की का बोलना क्या उचित था? हाँ महाराज, पारिवारिक मामला हो या फिर बाहर का मामला हो, इन सभी मामलों में अन्याय के खिलाफ प्रतिवाद करना उचित है, समझे बैताल? इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर उस पुरोहित की लड़की ने बिल्कुल ठीक किया, समझे? एक छोटी सी नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, उस पे एक बंदर का वास था। उस पेड़ के कुछ दूर में एक बसेरा था मगरमच्छ का। रोज मगरमच्छ जल से ऊपर आके धूप सेकता था और बंदर से अपना दुख सुख बात करता था। बातों ही बातों में बहुत ही समय हो गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सच में बहुत समय हो गया है, अब मैं समय तुम्हारा बर्बाद नहीं करूँगा। तुम्हारी पत्नी घर में इंतजार कर रही होगी, ये लो दोस्त जामुन, तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए। दोस्त, तुम ये रोज मीठा मीठा फल खिला के मेरे मुंह का स्वाद बदल दिए हो, बहुत अच्छा लगता है ये फल खाने में। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। छोटू की मम्मी कहाँ गई? मैं आ गया। आज इतना देर कर दिए, क्या बताऊँ, बात ही बात में समय निकल गया, पता ही नहीं चला। ये लो तुम्हारे लिए। तुम इतना मीठा फल कहाँ पाते हो रोज? स्टॉल पे एक मेरा बंदर दोस्त है, वो मुझे रोज ये जामुन देता है और खिलाता भी, बहुत अच्छा है। जो इतना मीठा फल खाता है, सोचो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, है ना? ठीक बोली ना? क्या बोल रही हो तुम? अगर मुझे सच में प्यार करते हो तो मेरा इच्छा पूरा करो, तुम जाके अपने दोस्त का कलेजा लेके आओ, मैं खा के अपना स्वाद बढ़ाना चाहती हूँ। क्या बोल रही हो तुम? ऐसे मत बोलो, तुम नहीं जानती हो क्या कि वो मेरा कितना अच्छा मित्र है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे करूँ? नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम मेरी ख्वाहिश पूरा नहीं करोगे तब तक मैं अपना भूख प्यास नींद सब कुछ हड़ताल करके रहूंगी, मैं तुम्हारे आंखों के सामने मर जाऊंगी। देखती हूँ तुम किसको ज्यादा प्यार करते हो, अपनी पत्नी को या फिर उस बंदर दोस्त को, ठीक है? ओह, मैं तो बहुत ही मुसीबत में पड़ गया, मैं अब क्या करूं? एकलौती मेरी पत्नी है, उसकी बात तो मानना ही पड़ेगा, पर उसको कैसे लाऊं, क्या करूं? तो तुम्हें आने में इतना समय क्यों हो गया और तुम आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ है बताओ? क्या बोलूं दोस्त, आज तुम्हारी भाभी मुझे बहुत कुछ सुनाई है। वो बोली है कि तुम्हारे जैसा मतलबी इस दुनिया में और कोई नहीं। क्यों? वो कह रही थी जो दोस्त तुम्हें रोज रोज फल खिलाता है, तुम उस दोस्त को कभी अपने घर नहीं बुलाए हो, इसीलिए। अच्छा, इसीलिए? इसीलिए वो बोली है आज तुम अपने दोस्त को लेके ही आना, वरना तुम मुझसे कभी बात मत करना। दोस्त, तुम्हें आज मेरी बात मानना ही पड़ेगा।
इसीलिए तुम मेरे घर चलो, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ठीक है ऐसे मत बोलो दोस्त, मैं बहुत खुश हो गया तुम्हारी बात सुन के, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे कैसे जाऊंगा? मैं तो स्थल पे रहता हूँ, मुझे तो तैरना नहीं आता, अगर मेरा मन भी करेगा तो भी नहीं जा पाऊंगा। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें अपने पीठ पे बिठा के मैं ले जाऊंगा। तो फिर जाने में कोई तकलीफ नहीं है, चलो फिर चलते हैं। कुछ समझ नहीं पाया है, भगवान की कृपा है कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत दूर तक मैं चलाया हूँ इसे लेके बीच नदी में। अभी अपने मन की बात मैं इसे बता देता हूँ, ये भाग भी नहीं पाएगा। दोस्त मैं तुम्हें क्यों ले जा रहा हूँ तुम्हें पता है? हाँ तुम तो मुझे पहले ही बता दिए हो। दोस्त बेवकूफ, सच बात यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से लेके जा रहा हूँ। मरने से पहले दोस्त अपने कुल देवता का नाम ले लो। तुम्हारा तो मैं कोई नुकसान नहीं किया हूँ दोस्त, तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरी इकलौती पत्नी का मन था तुम्हारा कलेजा खाने के लिए, इसीलिए मैं उसका इच्छा पूरा कर रहा हूँ। दोस्त तो बहुत आएंगे पर पत्नी तो मेरी एक है। ऐसी बात है, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए तुम? मेरे मन में तो ये हिंसा नहीं था, मैं तो खुश होके तुम्हें दे देता। मेरे पास मेरा कलेजा नहीं है, मैं तो अपने कलेजे को जामुन के पेड़ पे रखता हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे? तो चलो जामुन के पेड़ पे से मैं अपना कलेजा ले आऊँ। हाँ तो फिर चलो चलो जल्दी चलो, वरना मेरी पत्नी अभी तक भूखी है, खाना भी नहीं खाएगी। चलो चलो। हाँ हाँ चलो, और देर मत करो। मगरमच्छ दोस्त, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझे हो? मैं बेवकूफ नहीं, किसी का कलेजा क्या पेड़ पे रहता है? नहीं नहीं दोस्त, तुम्हें बहुत मिलेंगे मगर जिंदगी में कभी मेरे जैसा नहीं। गोपाल, ओ गोपाल, घर पे हो कि नहीं? कौन कौन बुला रहा है? ओ हरि बेटा, आ, आ, आओ बेटा घर में। हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। नानी माँ, गोपाल कहाँ है? कहाँ है वो? क्या बताऊँ बेटा, एक सुबह के घर से बाहर निकला है, अभी तक घर वापिस नहीं आया। दिन पे दिन जैसे लड़का ये आवारा बनता जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप, आवारा बन गया है? मैंने तो सुना है वो एक अच्छा भविष्यद वक्ता बन गया है। हाँ बेटा ठीक सुने हो, उस भविष्यवाणी से जो दो चार पैसे आते हैं उसी से हम दोनों का गुजर बसर हो जाता है। कल ही तो बोल रहा था कि तुम्हारा पैसे भी इकट्ठा कर लिया है, अगले महीने तुम्हारा कर्ज चुका देगा। ठीक है बेटा? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है नानी माँ, आप एक काम कीजिए, गोपाल की जल्दी से शादी करवा दीजिए ताकि उसकी आवारापंती कम हो जाए। ये तो लाख रुपए की बात बोले हो बेटा, कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रही थी। तो बताओ तुम्हारे नजर में ऐसी कोई लड़की है? नहीं ऐसी लड़की नहीं है, पर एक व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, नाम शादीलाल घरजोड़े। ऐसा करता हूँ मैं उन्हें यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है बहुत अच्छा, तो कब भेज रहे हो उनको? थोड़ा पहले बता देना ठीक है? कल बाद परसों शाम को मैं उन्हें यहाँ भेज दूंगा, आप गोपाल को घर में रहने के लिए बोल दे। ठीक है बेटा बोल दूंगी। तो फिर चलता हूँ नानी माँ। हाँ हाँ फिर आना बेटा फिर आना। क्या रे गोपाल सुन, कहाँ जा रहा है बेटा?
माधव जी के घर जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने बेटे के कुंडली विचार के लिए बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना होगा, कुछ देर बाद अगुआ आने वाले हैं तेरी शादी की बात करने, वहाँ तेरा रहना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा? क्या जरूरत है, ऐसा क्या जरूरत है बताओ मुझे। शादी तेरी होनी है, तू नहीं रहेगा तो वहाँ बात विचार कौन करेगा, बता बेटा। शादी करेगा, आप जानते हैं शादी करना मतलब मुसीबत लेना, आज गहना दो कल घूमने ले जाओ, मुझे ये लाख के दो मुझे वो लाख के दो, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। ये क्या रे, जिंदगी भर कुंवारा रहेगा क्या तू? कुंवारा क्यों रहूंगा, पहले राजा कृष्णचंद्र के पास नौकरी करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। बेटे ये शादीलाल घरजोड़े के पास ऐसी लड़की है जिसके माथे पे राजयोग चमक रहा है, जो लड़का उस लड़की से शादी करेगा वो भी राजयोग का हकदार होगा। क्या बोल रहे हो अगुआ महाराज? सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की के पिता बड़े पैसे वाले हैं और उनकी एक लौती लड़की है, और जो लड़का उस लड़की से शादी करेगा उसका तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, समझ गए बेटे? ऐसा क्या, मेरे नसीब में जमीन जायदाद हीरे मोती सोना चांदी सब है, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप मेरी शादी करवाइए, मैं तैयार हूँ। ठहरो बेटे, सिर्फ तुम राजी होने से नहीं होगा ना, लड़की वाले को भी तो राजी होना है और साथ में कुंडली भी मिलानी है ना। अरे बाबा ये तो बहुत समस्या है। नहीं समस्या की कोई बात नहीं है, यदि यहाँ से कुछ मिलता है तो उधर से मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, मैं हूँ ना बेटे। अच्छा ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। थोड़े दक्षिणा और एक जोड़े कपड़े बस। अच्छा ठीक है उसके साथ आपकी बीबी को एक सोने के कान में का एक बनारसी साड़ी देंगे। अच्छा ठीक है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। आपकी बीबी को एक सोने के कान में का एक बनारसी साड़ी देंगे। ठीक ही है मगर। अच्छा बताओ लड़की कैसी है? घर कुछ नहीं, थोड़ा नाटी है और रंग से थोड़ा काली है। लड़की नाटी काली गोरी जैसी भी हो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, लड़की अंधी बहरी और लूली ना हो। वो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तो फिर तुम्हारे साथ उस लड़की की शादी होकर ही रहेगी। अब मैं चलता हूँ, प्रणाम माँ जी, आता हूँ। देखिए माँ जी, ये शादीलाल घरजोड़े के बात में दम है कि नहीं, साक्षात लक्ष्मी नारायण लग रहे हैं। हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। तो फिर माँ जी मेरी दक्षिणा दे दीजिए, मैं चलता हूँ। आओ बहू, गोपाल बहू घर पे आओ। गोपाल, ए गोपाल, और कितना देर लगाएगा? आ रहा हूँ। थोड़ा दही शक्कर खा लीजिए। क्या हुआ गोपाल, हुआ? आ रहा हूँ भाई। उफ, कितना समय लगाते हो, लो अब चलो, शाम ढलने को है गोपाल। चल भाई चल, मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी। आ रहा हूँ भाभी जी। जय माता दी। उफ, कब के सुबह निकले हैं, भूख लग गया है गोपाल। हाँ सच में, मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मैं करूँ? मैं भी सोच रहा हूँ, अगर कोई खाने की दुकान मिल जाता तो कुछ खा लेते। क्या खाओगे, घर जैसा खाना दुकान में थोड़ी मिलेगा, भाभी जी के हाथों की बनाई हुई खाना थोड़ा ही ना दुकान में मिलेगा, हाँ क्या कहता है? और मैं उसी घर का मुफ्त में खाने वाला ग्राहक हूँ। और तुम भी तो मेरी तरह ही हो। हाँ ये बात तो सही है, जब तक मैं घर नहीं पहुँचता तब तक तुम्हारी भाभी खाना परोस के बैठी रहती है। अरे वो देखो भाई। अरे हाँ गोपाल, मिठाई की दुकान। गोपाल मिठाई खिलाओगे क्या? खिलाऊंगा, एकदम खिलाऊंगा, वो भी पूरे मुफ्त में। तो फिर वही मक्खी वाला खेल होगा क्या रे गोपाल? पहले दुकान के पास तो चलो। फिर चलो। बहुत बड़ा दुकान। सच में बड़ा दुकान है, हाँ? देखो तो क्या क्या मिठाई है। हाँ भाई देखता हूँ, कालाकंद है, गुलाब जामुन है, रसमलाई,
अरे अरे इसमें क्या है, गुलाब जामुन? हाँ तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन? मैं पथराई, लेकिन तुम कौन हो? हम इस दुकान के मालिक। वो अभी कहा है के सो रहा है। नहीं, वो अभी सो रहे हैं, उन्हें सोने दीजिए, उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। और इधर हम लोगों के पास भी समय नहीं है, तो अपना काम शुरू करें भाई। चलो शुरू किया जाए। तुम लोग ऐसे उठा उठा के क्यों खा रहे हो? अरे अरे फिर से खा रहे हो? रुको रुको, मैं पिताजी को बुलाता हूँ। बुलाते रहे पिताजी। पिताजी 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 पिताजी, कोई मिठाई खा रहा है? कौन खा रहा है बेटा? पिताजी को बोलो, मक्के खा रहा है, वो समझ जाएंगे। अरे कौन मिठाई खा रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मधुमक्खियों ने। मक्खी? अरे खाने दो खाने दो खाने दो खाने दो। क्या सुनाई दिया? पिताजी देखिए ना, वो बर्फी खा रहे हैं। मक्खी वैसे ही मिठाई खाती है, तुम पंखे डुला कर उसे भगा दो। दोनों मक्खी ने बहुत सारे खा गया है। मिठाई खा लिए। देखो अभी रसगुल्ले खा, अभी रसगुल्ले खा रहे हैं, अभी रसगुल्ले खा रहे हैं। चुपचाप बैठे रहो, पंखे डुलाते रहो, मक्खी भाग जाएगी। सचमुच बहुत गर्मी लग रही है। तुम पंखा डुलाते रहो। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? तुम कहोगे और मैं पंखा चलाऊंगा? तुमने पेरा उठा के क्यों मुंह में डाला? गुलाब जामुन खाया, टिक किया, बिल्कुल टिक। पिताजी देखिए ना, पिताजी देखिए ना। पंखे से भगा दो। पूरा पेट भर गया। हाँ भाई पूरा पेट भर गया है, अब चलो चलते हैं। चलो भाई चलो चलो। अरे मिठाई खा के पैसा बिना दिए चले जा रहे हो, पैसा दे। सुनो सुनो, ये पागल लड़के की बात, हम लोग मिठाई के पैसे कहाँ से देंगे? चलो यहाँ से, हमें बहुत दूर जाना है, यहाँ पर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। पिताजी मक्खी ने मिठाई खा के बिना पैसे दिए जा रहा है। और बुद्धू, मक्खी के पास पैसे कहाँ से आएंगे जो तुम्हें पैसे देंगे? दूर वो सब तो ऐसे ही खाते हैं। रसगुल्ले पेड़ा बर्फी सारे खा गए पिताजी, गए पिताजी, गए पिताजी, गए पिताजी। दूर ये लड़का भी ना मोटा बुद्धि का, जब देखो तब चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद खराब कर देता है। अरे 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 अरे, यहाँ पर रसमलाई बर्फी लड्डू संदेश थे, ये सब खाली कैसे हो गए रे? एक आदमी ने बोला, एक आदमी ने बोला। अरे तू तो मक्खी की बात कर रहा था, ग्राहक की तो बात नहीं की? उन लोगों के नाम मक्खी है, और ये बोलने से तुम पहचान जाओगे? बोला है उन लोगों के नाम मक्खी है, और ये बोलने से तुम पहचान जाओगे? अरे भगवान, ये किसने मेरा सत्यानाश कर दिया? जिसने मेरे दुकान के सारे मिठाई खाए हैं, उसका उल्टी होगा, उसका सत्यानाश होगा। जैसे मुझे बर्बाद किया है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। देखो महाराज कृष्णचंद्र के राजमहल, अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं काम पूरा करके आऊंगा। मैं अभी चलता हूँ, मुझे देर हो रहा है। ठीक है तब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मतलब महाराज से मिलने के लिए अनुमति चाहिए, वो अनुमति तुम्हारे पास है क्या? वो तो नहीं है। तो अनुमति नहीं है? ये क्या, ऐसा क्यों? वो तो राजा है, हमारे पिता समान, हम लोग प्रजा है उनके संतान की तरह, तब तो हम लोग कभी भी भेंट कर सकते हैं, अपने सुख दुख की बातें उनसे बांट सकते हैं। जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। दया करो भाई, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, एक बार राजमहल में जाने की अनुमति दो, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है? हाँ सचमुच बहुत जरूरत है। ठीक है तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। दे सकते? कितने पैसे देने होंगे? देखने से तो लगता है बहुत गरीब हो, कितना और दोगी? दो जो तुम्हारे पास है। पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मुझे राजा के पास से कुछ इनाम लेना है, वहीं से मैं तुम्हें आधा इनाम दे दूंगा, समझे? ये बात याद रखना।
मैं अपने मरे हुए पिता की कसम खा के कहता हूँ, अगर इनाम के तौर पर अगर पैसे मिले तो वहाँ से मैं तुम्हें आधे पैसे दूंगा 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 दूंगा। अगर और कुछ मिलता है तो उससे भी आधे हिस्से दे दूंगा। अब तो ठीक है जाओ, अब तुम जाओ। सुनो, कहाँ जा रहे हो? राज्यसभा में महाराज कृष्णचंद्र से मिलने। अनुमति है क्या? नहीं है। तो फिर महाराज से मिलने की अनुमति भी नहीं है। राजा से मिलना हमारा बहुत जरूरी है, एक इनाम लेना है। समझे सिपाही भाई, कोई रास्ता है क्या जो उनसे मिल सकूं? आप महाराज से मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ देने होंगे। अरे बाप रे, यहाँ पर भी रिश्वत? ठीक है, पहले वाले सिपाही को बोले हैं अगर इनाम में पैसे मिलते हैं तो आधे हिस्से मिलेंगे, और अगर कोई अन्य इनाम मिलते हैं तो उससे भी आधे हिस्से मिलेंगे। ठीक है, तो फिर वही देना। अब तुम्हें जाने का अनुमति है, जाओ। चोर चोर मौसर है भाई, ऐसा इनाम दूंगा ना जिंदगी भर याद रखोगे। कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है। क्या प्रश्न महाराज? विश्व में सर्वश्रेष्ठ दांत और फूल कौन सा है? महाराज, श्रेष्ठ फूल कमल के और श्रेष्ठ दांत है हाथी के। गलत गलत, बिल्कुल गलत महाराज, इन लोगों का उत्तर पूरा गलत है। कौन हो तुम? मैं गोपाल चंद्र, पेशा हजाम, गांव कृष्णनगर। ठीक है, तो फिर उद्देश्य पूर्ण अपना उत्तर बता दो। पर याद रखना, अगर तुम्हारी उत्तर उद्देश्य पूर्ण ना हो तो तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। समझ गए? जो आपकी इच्छा होगी वही होगा महाराज। सुनिए महाराज, श्रेष्ठ फूल है सीमर का फूल, कारण इससे मनुष्य को पहनने के वस्त्र मिलते हैं। उस वस्त्र से मनुष्य अपने तन को ढकते हैं और हर तरह के मौसम से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और श्रेष्ठ दांत? और श्रेष्ठ दांत है हलसी, जो खेतों में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे खेतों में फसल उगते हैं। मंत्रीगण, अब सभी इनके उत्तर के साथ सहमत हैं? हाँ हाँ महाराज, हम लोग सभी सहमत हैं। हम भी तुम्हारे उत्तर से सहमत हैं। बोलो, क्या इनाम चाहते हो तुम? जी महाराज, मुझे 100 करोड़ चाहिए। ये क्या इनाम मांग रहे हो तुम? ये तो इनाम नहीं, सजा है। परंतु महाराज, जो मैं मांगा हूँ वो तो मुझे मिलना ही चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भीम सिंह, जो आज्ञा महाराज। इन्हें 100 कोड़े मारा जाए। जी महाराज। रुक जा भाई। फिर क्या हुआ, इनाम लेने से डर रहे हो? जी नहीं महाराज, असल में मैं जब महल के अंदर आ रहा था तभी 2 सिपाहियों से वचन दिया था कि मुझे जो भी इनाम मिलेंगे उसको 2 हिस्से में बराबर बांट दिए जाएंगे। वे लोग कौन है? इस राजमहल के एक है मुख्य द्वार के सिपाही और दूसरे है राज्यसभा के सिपाही। क्या वे लोग इनाम मांगे थे या तुम स्वयं देना चाहते हो? क्या बोलते हैं महाराज, अपना इनाम कोई किसी को दे सकता है भला? विश्वास अगर नहीं है तो आप स्वयं उन दोनों से पूछ सकते हैं। भीम सिंह, उन दोनों को अंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। तुम और क्या इनाम चाहते हो गोपाल? महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया करके यदि आपके राजमहल में कोई काम मिल जाए तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। महामंत्री, आपके ख्याल से इन्हें कौन सा काम दिया जाए, बताइए। महाराज, मुझे लगता है आप इन्हें मनोरंजनकर्ता के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, वही होगा। आज से तुम मेरे मनोरंजनकर्ता होकर मेरे पास बैठोगे। बैठो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, अपराधी आपके सामने हाजिर है। सिपाहियों, तुम लोग इनसे रिश्वत मांगे थे? हाँ हाँ, मतलब नहीं 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 महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, क्षमा कर दीजिए महाराज। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, छोड़ दीजिए महाराज, अब क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। ठीक है, तुम दोनों को मैंने क्षमा किया, परंतु उनके प्राप्त इनाम तुम लोगों को लेने ही पड़ेंगे। भीम सिंह, मैंने तो तुम लोगों को क्षमा कर ही चुका हूँ,
परंतु उनके 100 घोड़े के इनाम तुम लोगों को लेने ही पड़ेंगे। ऐसे इनाम नहीं चाहिए महाराज। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। यदि कोई कुछ मांगते हैं तो देना चाहिए, नहीं तो देने वाले को नरक में कष्ट दिया जाता है। भीम सिंह, अभी तक तुम खड़े हो? महाराज, ये इनाम इन दोनों को सारी जिंदगी याद रहेगी। सही बोले हो गोपाल। आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शहर में एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है। उन किडनैपरों का ये शर्त है कि जल्द से जल्द मंगल पांडे को जेल से रिहा कर दिया जाए, वरना वो लोग उस स्कूल बस को बम से उड़ा देंगे। अरे यार, ये तो बहुत डेंजर हादसा है। अरे हाँ टप्पू, लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम भी तो ठीक बोल रहे हो, चलकर पहले घटना को देखते हैं। हाँ तो चलो चलकर उसको देखते हैं। अरे वो देख देख, मंगल पांडे, पुलिस उसको पकड़ कर कहाँ ले जा रहा है देखो तो। हाँ चलो उससे चलकर पूछते हैं हम लोग। पुलिस अंकल, ये मंगल पांडे को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम लोग खबर नहीं सुने हो क्या? एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है मंगल पांडे को आजाद करने के लिए। हाँ हम लोग खबर देखे हैं। स्कूल बस को छुड़ाने के लिए ऊपर से आदेश आया है कि मंगल पांडे को आजाद कर दिया जाए, और इसीलिए मंगल पांडे को लेके जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब। लेकिन कोई मुसीबत अगर आ गया तो क्या करोगे टब्बू? कुछ नहीं होगा गब्बू, जल्दी से वो चीज लेकर आ। अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। ये देख मैं ले आया। वाह बहुत अच्छा किया, चलो चलो हमारे साथ, अब उनको चलकर हम लोग सबक सिखाएंगे। चलो चल। ठीक है तब चलो चलते हैं। ये देखो मैं मंगल पांडे को ले आया। ठीक है अब हमारे सरदार को छोड़ दो। हाँ हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर तुम लोग दूर उस पेड़ के पास चले जाओ। हाँ ठीक है बच्चों, अभी तुम लोग जाओ, बच्चों को छोड़ दे, अभी हमारा सरदार को छोड़ो। हाँ ठीक है तो ये लो। एक ये तो हमारा सरदार नहीं है, ये तो खेतों का पुतला है। तुम लोग बंदूक कैसे चलाओगे? तुम लोग का बंदूक तो टेढ़ा हो चुका है। ये क्या हो गया? हाँ बंदूक कैसे चलेगा? हाँ कैसे? एक है गोली चलाने से खुद अपना लग जाएगा। हैंड्स ऑफ, चला के करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग सिलेंडर कर देते हैं। Hurray, 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 hurray,